नमस्ते। आज ही सुबह एक ऐसे बच्चे की ट्रीटमेंट हुई है जो बिल्कुल भी जन्म से बहरा था और न सुन पा रहा था। ट्रीटमेंट के 2 घंटे के बाद में आए, टेस्टिंग हुआ तो मालूम पड़ रहा कि बच्चा नॉर्मल ढंग से सुन रहा है। सिखाना जरूरी है। सुनना बड़ी बात नहीं है, दरवाजे खोलने जैसा है। सुनने के बाद में असल बात कहाँ आती है मालूम है? ट्रेनिंग आती है, तो पढ़ाना आता है, तो इसको पढ़ाने में जोर दीजिएगा। अब तक तो आप इसकी बात मानते थे, अब इसको बात बनवाना सीखिए। बेल बजाना है, बात करना है, सीधे बजाना है बात। ये देखो, ये तो बहुत बढ़िया सुनता है, मतलब मैंने इतनी जबल बजाई जी, तो एकदम चकरा गया। ये नॉर्मल से ज्यादा ठीक है। नॉर्मल जो बच्चा तो उससे भी, खाली पढ़ाने की जिम्मेवारी लीजिए। और कैसे पढ़ाना है? ABCD 1 2 3। थोड़ी दिनों में स्पीच थेरापी होती है बहरे लोगों की, सुनने वालों के वर्ड थेरापी, इसको वर्ड थेरापी करवाना है। जब नॉर्मल ढंग से बच्चा को सुनता है तो मुझे आश्चर्य होता है कि क्या नसें सचमुच सूखती है या नहीं सूखती है, नसों का कितना पार्ट है। क्यों दादाजी, खुश हो आप? जिंदगी की बाजी जीत गए? ये तो इसको ना बहुत बढ़िया है। देखो, माफ करना सर, मैं ऑपरेशन करने वालों कह सकता हूँ, ऑपरेशन करो, मशीन लगाओ, पर इसको मशीन कहाँ से, समझ गए ना? जो बच्चा बेल दबाने से देखता हो, सुनता हो, इसका मतलब आपको ट्रेनिंग की जरूरत। ठीक है दादाजी, क्या नाम आपका? जनकराज। आपका? नरेश। नरेश बाबू कहाँ से हैं? दिल्ली से? गाजियाबाद। गाजियाबाद से? एक ही बात। ठीक है, खुश है? क्या आशीर्वाद देने दादाजी? आपके आशीर्वाद से ही दुनिया फलेगी। दुनिया देख करके कहेगी, अरे वाह, इनका बच्चा बढ़िया सुन रहा है तो हमारे भी अच्छा सुनेगा, तो ये पुण्य का काम होगा। अच्छा, कैसे गाने सिखाओगे इसको? रिपीट वाले, रघुपति राघव राजा राम, अंग्रेजी में छोटे बच्चों को स्कूल में डालते हैं ना। देखो, हमारा बच्चा तो यह मान लिया आपने कि कम सुनता है, पर सुनने वाले बच्चों को भी कैसे गाने सुनाए जाते हैं मालूम है? हमकी डमकी 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 बैंग बैंग। क्यों ऐसे सुनाते हैं? क्यों? रिपीट जो है वो ही सिखाया जाता है, रिपीटेशन है। बिटिया, रिपीटेशन वाले वर्ड को यूज करना, और जब थोड़ा बड़ा हो जाए तो कविताएं, और एक 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 कविता की एक एक लाइन सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जरूर नहीं पूरी कविताएं सीख जाए, गाना सिखा लेना। ओके, ये मोटिवेशन प्रोग्राम इसलिए है कि विश्वास पर जमे रहना है। थोड़ा बड़ा हो जाए तो काम के सामने, कांच के सामने खड़े होकर बोलने वाला है, ग्रुप में रखना है, स्कूल में भी तो बदमाशी करता है, होता है, खड़ा होता है तो चिल्लाता है। अच्छा, स्कूल में जो ध्यान में ये रखना है कि कच्चा नहीं पड़ जाए पढ़ने लिखने में, बस चाहे तो हेयरिंग मिल रहा हो जो करना कर बेटा, पर इसको पढ़ा लिखा कर दे यार। ट्रेनिंग, मैंने एक ही बात कहा, सारा संसार ट्रेनिंग पर आधारित है। ठीक है, गुड लक टू यू, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, हंसते हुए चेहरे के देख करके, और मुझे हंसी आ रही है। तो ये बात जो है इस वीडियो में हम लोग प्रतिपादित करना चाहते हैं कि हमने ये कहा कि शायद बच्चा पहले से सुनता होगा तो इतना बढ़िया सुन सकता है, क्योंकि हमने बैल बजाई, गाना गया, उसका नाम बोला, पीछे से नाम बोला तो सुनने लगा। 3 वर्ष का बच्चा था तो प्रतिक्रिया अच्छी देने लगा। तो मेरा कहने का मतलब, संसार को संदेश ये है कि बहरेपन के बारे में अपनी जो भी समस्याएं हैं, डर है, भय, उसको सबको निकाल दीजिए, और नसें सूख जाने से आए हुआ बहरापन बिना मशीन बिना ऑपरेशन के मिटा के सुनने की क्षमताओं को बढ़ाने का हमारा जो सिद्धांत है वो सही है, स्थापित है, प्रूवन है। विश्व के लोगों से संदेश है कि घबराना बंद कर दें और अपनी चिकित्सा करवाने के, मात्र 3 घंटा, ऐसा तो विश्व में अभी तक कहीं नहीं हुआ है कि 3 घंटे में
बच्चे को मतलब व्यक्ति को ठीक करना, सुनवाना, टेस्टिंग करना, रिपोर्ट देना, उनके वीडियो लेना, आशीर्वाद लेना और यूट्यूब पर डालना, ये दुनिया के लिए आश्चर्य की बात होती है, पर हमारे लिए तो रोज का काम है। धन्यवाद। धन्यवाद।